देखो आज मैं सोच रहा हूँ क्यों ना सौरभ जोशी की थार चुरा ली जाए, क्योंकि सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि उसने रेड थार को गोल्डन थार में बदल दी है और उसे चुराकर अगर मैं बेचूंगा तो भैया पैसा ही पैसा होगा। और मैंने अपना भेष बदल लिया है और अब गाड़ी से चलेंगे उसके इलाके में। और हाँ, तुम क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो, अपने प्यारे प्यारे हाथों से इस शॉट को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। और थोड़ी देर में मैं उसके घर पे पहुंच जाता हूं और भाई कितनी ज्यादा खतरनाक लग रही है थार, जिसके बाद तुम्हारे भाई को सब्र नहीं हुआ और उसका लॉक तोड़कर वहां से भागने लगा। लेकिन तभी सौरभ जोशी के मोहल्ले वाले वहां पर आ जाते हैं और मैं उन्हें ठोक कर देखो आज मैं मस्त चांदनी रात में छत के ऊपर रील देख रहा होता हूँ। लेकिन तभी अचानक से मेरा पैर फिसल जाता है और भाई हड्डियाँ टूट जाती है यार। और ये क्या भाई, मेरे फोन की तो वाट लग गई और मैं ज्यादा देर बिना फोन के रह नहीं सकता था, इसलिए अपनी गाड़ी उठाकर सीधा रातों रात शोरूम पहुँच जाता हूँ। और मैं जल्दी जल्दी शोरूम के अंदर चला जाता हूँ और एक न्यू फोन खरीद लेता हूँ। और काफी रात होने की वजह से मैं सीधे अपने घर पे जाने लगता हूँ। बाकी तुम लोग क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो, जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, क्योंकि ये सब सारी चीजें फ्री होती है तो कर दिया करो यार। और अगले दिन जैसे ही मैं अपने फोन को बाहर निकालता हूँ, मैं जिन हूँ तुम्हारी 3 विश पूरी करूंगा, जो बोलना हो बोलो। अच्छा तो ये बात है, तो मुझे एक रॉल्स रॉयल चाहिए। ये क्या भाई, ये तो काम कर रहा है। और मेरी दूसरी विश है, मैं पुराने जमाने में जाना चाहता हूँ। अरे भाई ये कहाँ ले आया डायनासोर, अरे यार इतना भी पुराना जमाना नहीं बोला था। देखो आज था संडे और वैसे मेरे को कोई काम था नहीं, इसलिए मैं वेल्ला अपने छत पर इधर उधर घूम रहा था, तभी मेरे को एक रॉल्स रॉयल दिखाई देती है। लगता है कोई चोर यहाँ पर गलती से भूल गया यार मेरा, क्या है चलो देखता हूँ। और मैं सीधे सामने वाली बिल्डिंग से छत पे पहुंच जाता हूँ। और भाई ये क्या, रॉल्स रॉयल कहाँ गई भाई, लगता है आंखों का धोखा हो गया, चलो नीचे चलता हूँ। अरे भाई ये क्या, गाड़ी तो सामने खड़ी है, अरे यार इसको नीचे किसने खड़ी कर दी, चलो चलता हूँ। और जैसे ही मैं नीचे आता हूँ, ये क्या भाई गाड़ी यहाँ भी नहीं है, आखिरकार हो क्या रहा है। लेकिन तभी मेरे कॉलेज का टाइम हो जाता है और ये सब छोड़कर मैं कॉलेज की तरफ जाने लगता हूँ। और हाँ, तुम लोग अभी तक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दो भाई, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ लेकिन तुम लोग करते नहीं हो। और रास्ते से मैं अपने कॉलेज जा ही रहा था, तभी ये गाड़ी फिर आ जाती है और भाई मेरे को साइड मार देती है और ये गाड़ी से मेरी फटके हाथ में आ जाती है। देखो बाद में मस्त चांदनी रात में छत के ऊपर रील देख रहा होता हूँ। लेकिन तभी अचानक से मेरा पैर फिसल जाता है और भाई